लखीमपुर में चले जाइएगा, पता है वहाँ पे आपके जैसा कोई पत्रकार था बेचारा, उसे मार, चलो हम तो भैया गद्दार हैं, हम तो खालिस्तानी हैं, उस गरीब पत्रकार ने क्या क्या करा, मतलब वो तो पंजाबी भी नहीं है, अगर पंजाबी बोलेगा तो खालिस्तानी हो गया, मुस्लिम बोलेगा तो आतंकवादी हो गया, बैगन से निकालोगे नहीं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, है नहीं है। उससे कहता है अमरीश पुरी से कि ठाकुर इनके अंगूठे लगवा ले, बोले नहीं इनको अभी हराम की खाने की आदत डालने दो। सुनिए, तुम्हारे प्रधानमंत्री योगी जी जब जाते हैं कॉर्पोरेट बिछाई जाती है, ठीक पानी गर्म होता तब डुमकी लगाते हैं, अरे ठंडे पानी में क्यों नहीं लगाते हो, ठंड लग जाएगी, कोरोना हो जाएगा। इलेक्शन से पहले उनने क्या काम करा, 3 महीने पहले साहब बिजली का बिल हाफ कर दिया, 4.5 साल का जेब में रख रहे थे माल को, तब भी तो कर सकते थे, खाली सार दिए सार। रोजगार दिए कम से कम 5 लाख, लेकिन वो जंगलों में किए दिए हैं कि रात भर जाकर डंडे हकाओ और उनसे चारा अपना बचाओ। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का जो है वो पीलीभीत में आ पहुंचा है। पीलीभीत में हम आए हैं, आप हमारे पीछे देखिए युवाओं की एक लंबी फौज है। इनसे पहले तो हम क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, उसके बाद हम यहाँ के माहौल के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले भैया हम बात करते हैं क्षेत्रीय मुद्दों की। क्या नाम है भैया? भैया गुरवंत सिंह नाम है मेरा। ये बताइए क्या आपको यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, क्या क्या रही हैं? भैया यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, उसके बाद स्वास्थ्य की, शिक्षा की, नौकरियों की। जब से ये बीजेपी सरकार आई है 3 साल में आप देख लीजिएगा कि किसी की उम्र अगर 16.5 साल है तो 17.5 साल में वो आर्मी की तैयारी करना बंदा शुरू कर देता है, जो गरीब तबके का है, सोचता है भैया मैं और कुछ तो नहीं करूंगा, एक अपना सरकार में जगह बना लूंगा। 3 साल में बीजेपी सरकार ने आर्मी की भर्ती निकाली, जो निकाली है अन्यथा उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अगर उसकी क्वांटिटी 230 लोगों की है, पर्चे भरे गए 10 लाख, तो 230 में भी मेरिट के बिना आधार पे 30 लोगों का चयन कर लिया गया अभी लास्ट में, जो भी अभी इन्होंने निकाला है। तो आप इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं बीजेपी से भी, ये युवाओं को क्या रोजगार देगी, स्वास्थ्य में क्या करेगी? ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं हमारा, ये हमारे माननीय मंत्री जी हैं हेमराज वर्मा जी, उनकी बदौलत जो बना है 29 किलोमीटर, और ये 5 साल में इसमें एक टांका नहीं लगा पाए बीजेपी वाले, रिपेयर नहीं हो पाया। भैया देखिए हमने हमारा यही एक स्कूल है स्प्रिंगले कॉलेज, हम तो जैसे तैसे वहाँ पढ़ गए, हमें 9 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लग जाता था। बीजेपी तो भैया दावा करती है कि सरकारी जो भर्तियाँ हैं वो उन्होंने दी, शिक्षक भर्ती उन्होंने दी, पुलिस भर्ती उन्होंने दी। भैया वो कागजियों में सब है, धरातल पे कुछ नहीं है। कागजी में तो हम कहते हैं भैया हमने जे कर दिया वो कर दिया, जो चीज धरातल पे नहीं होगी तो उसे आप कैसे मान लेंगे? एक चीज आप गिनवाइएगा भी, यहाँ जो बीजेपी ने करवाई है, एक ही आपने फैक्ट्री का नाम सुना होगा, खमीर प्लांट लगवा रहे हैं हमारे विधायक जी, कहाँ लगवा रहे हैं? लग गया वो 5 साल में, वो ही नहीं लग पाया। भैया कह रहे हैं कि सरकार सारी कैंसिल हुई है भर्तियां, भाई टेट के पेपर देने गए थे लड़के, देख रहे हैं आप लखनऊ में क्या हाल हुआ था बंदों का, सारी लीक हुई, पर्चा लीक हुआ है, तो ये सरकार की गलती है ना, आप बताइए। वो किसने लीक किया था, क्या आप इसकी जांच नहीं कर सकते? आप इतनी बड़ी पावर में हो, आपको यही नहीं पता कि आप पर्चे भरवा दिए और वहाँ पे बेचारे वो ठंड में मर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, आपने शायद फोटो देखी हो कितने विद्यार्थी बाहर लेटे हुए थे। अरे आपने कैसी भर्ती निकाल लो जो आपको यही नहीं पता कि हमारा पेपर लीक जाएगा, हो उसके ऊपर कोई कमेटी गठित करो, उसका तुम्हें कम से कम पता तो चले कि कौन इसके पीछे गिल्टी कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हैं आप ऐसे थोड़ी है कि वो मतलब कैंसिल हो गई, इन्होंने निकाल दी, कैसे कैंसिल हो गई, बड़ा मतलब तुझे आरोप लगाती है कि सपा की सरकार में भर्तियां जो हैं वो कोर्ट तक पहुंच जाती थी। आप ये देख लीजिए भी जितनी भी नौकरियां हुई हैं वो सपा सरकार में ही हुई हैं, आप कुछ भी निकाल के देख लीजिएगा। आज शिक्षा मित्रों का क्या हाल है बताइए, आज जितने आंदोलन इसमें हुए हैं ना हमारे, आप किसान देख लीजिएगा कितने 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वापस तो ले लिया किसान का बिल। अच्छा अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं किसी चीज के लिए मैंने आंदोलन किया और उसी आंदोलन में मैं खत्म हो गया, शहीद हो गया, उसके बाद भैया मुझे वापस करेगा क्या फायदा? मैं तो नहीं देख पाया जब मैं मर गया, तो मुझे तो यही है कि भैया ये चीज नहीं हो पा रही, मैं
खत्म हो जाऊं, मेरे जीते जी कुछ नहीं हुआ तो मुझे मरने के बाद क्या लेना, 700 किसानों की जान लेके उसके बाद उस बिल को वापस ले गया। अरे आपको वापस लेना है तो क्यों वहाँ पे इतनी कीले गड़वा दी, बैरिकेड करवा दिए, हैं मारे के उनकी उनकी कोई गिनती नहीं। अरे उनके घर में जाके देखो, रोटी नहीं पकती 1000 रुपये, किसी का माँ का अकेला अकेला बंदा था, लखीमपुर में चले जाइएगा, पता है वहाँ पे आप ही के जैसा कोई पत्रकार था बेचारा, उसे मार। चलो हम तो भैया गद्दार हैं, हम तो खालिस्तानी हैं, उस गरीब पत्रकार ने क्या क्या करा, मतलब वो तो पंजाबी भी नहीं है। बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी में गुंडैती बहुत थी, और योगी जी तो कह रहे हैं कि 10 मई जून में वो शिमला बना देंगे, जिसकी गर्मी है वो दूर कर देंगे। इनकी सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, इनके मुख्यमंत्री ले लो, उप मुख्यमंत्री ले लो, और जिसपे बड़ी बड़ी धारा में मुकदमा पंजीकरण ना हो तो क्या हो, बताइए इनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास कोई भी धारा में मुकदमा पंजीकृत नहीं है। करना भैया, योगी जी तो कहते हैं अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर उन्होंने चलवाया, आजम खान को जेल उन्होंने भिजवाया, किसने चल करवाया, आजम योगी जी ने, योगी जी ने क्या भिजवाया, वो तो जब उनकी सरकार है, बकरी चोरी, किताब चोरी, सभी पे मुकदमे, जब चाहे जिस पे लगा दे वो कुछ भी कर सकते हैं। वो करोड़पति बंदा आप देखिए भी, जो इतना बड़ा जो कम से कम 9 बार का MP है, सांसद है, वो तुम अपने दिमाग लगा दो कि क्या वो बकरी चोरी करेगा, क्या वो करेगा, आजम खान ने बकरी चोरी करी। अरे ये सब सारा सर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये खाली योगी सरकार की बनाई ये नीतियां हैं, ये सब कुछ बस अपने राज में लेना चाहते हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। विधायक रहा होगा वो मुर्गी और बकरी चुराएगा या किताबें चुराएगा, क्या लग रहा है भैया कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? अरे भैया हम तो बस अखिलेश भैया के सपोर्ट में है, अखिलेश भैया का सपोर्ट है और कुछ भैया करे, अखिलेश यादव आ रहे हैं इस बार। अखिलेश देखो भाई, देखो कहने का सबको हक है, मेरी बात सुने, सबको हक है, छोटे लेके सबको बड़े लेके हक है, मगर कोई कितना जो लगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। बीजेपी ऑलरेडी है, सिर्फ उसे सांप्रदायिक राजनीति करती है, अगर पंजाबी बोलेगा तो खालिस्तानी हो गया, मुस्लिम बोलेगा तो आतंकवादी हो गया, बैगन से निकालो गए नहीं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, है नहीं है। मेरी बात सुनो, मतलब वो गलत लोग हो गए, भैया आप एक मिनट, और देखो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, उन्होंने एक भावना सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको लेके चल रहा है, और सबको गल्ला मिल गया, सबको आवाज मिले, ऐसा कुछ नहीं। अरे भैया बीजेपी जो है सबका साथ सबका सवाल तो सुन लीजिए, एकदम मिट्टी का भगवान पर क्यों वोट मांग रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा और अपनी योजनाओं पे लाइए, योजनाओं पे भगवान राम पे वोट को मांग रहे, वो भगवान रोही तो अखिलेश से मिल रहा था, मुझे तो खुद को 4 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, वो भी खत्म हो गया, मिट्टी का तेल खत्म हो गया, कम से कम हम घर पे डाल के चारा तो खा लेते थे। कि बीजेपी की सरकार में मिट्टी का तेल नहीं मिला। अरे सुनो तो उसके एक मिनट, उसकी सुविधा, अरे उसकी सुविधा उसकी मैं बता रहा हूँ, गल्ला पहले कहाँ से मिल गया था, पहले मिल गया था पैसों से, अब मुफ्त मिल गया है, और वैक्सीन लगवाई मोदी, वैक्सीन मोदी जी ने कैसे लगवाई भाई साहब, एक बात सुनाओ, अरे यार है? क्या क्या मुक्त मिल रही है, वो हराम की खाने की आदत डाल रहे हैं, अंगूठा पाठ में लगवाएंगे, ने क्या दे दिया उसमें, अमरीश पुरी कहता है ये तो आप फेसबुक वाली बात, उसमें अमरीश पुरी कहता है, जब उससे कहता है अमरीश पुरी से कि ठाकुर इनके अंगूठे लगवा ले, बोले नहीं इनको अभी हराम की खाने की आदत डालने दो। अगर मूवी ना देखी हो तो नाम सुन लो, जीने दो नाम है उसका, दोहरा देख लियो उसका याद है। भैया ऐसा है गल्ला खाने मुक्त बुक कि तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम्हें गल्ला मिल गया क्यों लेने जा रहे हो, तुम खुद ही लेके पहुंच जाओ साइड में, अभी सफाई सुनिए तो। एक मिनट भैया, नहीं मोदी अपने घर से गल्ला दे रहा है, जे जो कोविड का महामारी आई है, इसमें तो ऊपर से गल्ला आ रहा है, मोदी के पास कितने जमीन है भाई, मोदी कौन है गल्ला देने वाला। और सुनिए एक मिनट दीजिए, ऐसा है भैया सुनिए, हेलो भैया, इनकी जगह किसी और की सरकार होती तो वो भी गल्ला देता, क्योंकि हमारा देश आपातकाल से गुजरा हुआ है। ऐसा है ना भैया सुनो, जब देखिए एक मिनट, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लैपटॉप बांटे, उस पर फोटो आया, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ठीक, तब तो ये कहा इसके अखिलेश यादव का फोटो क्यों आ रहा है इस पे, और अब थैले पे भी मोदी योगी, नमक पे भी योगी
योगी मोदी है, हर जगह योगी मोदी। अभी आप यहाँ का माहौल देख ले पीलीभीत का, अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब क्या कर रहे हैं, ये अब क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मामला बनाने जा रहे हैं, घर घर जबरिया झंडे लगा रहे हैं, ठीक घर पे जबरिया। अभी आप यहाँ पर ओवरब्रिज पे खड़े होइए, नौगमा देखिए पूरा पीला पीला बना दिया, ठीक। इससे ऐसा नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अब ये उखड़ गई तुम्हारी भाजपा और कमल का फूल जो है उसकी डंडी गई है सूख, समझ रहे ना, साइकिल उड़ रही है। तो भैया 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 भैया, अरे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रचार में प्रचार बहुत करती है, धरातल पे काम कम कर रही है। वो प्रचार करती है, अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव का इतना बजट ही नहीं जो झंडा लगवा पाए बीजेपी के, बजट तो बीजेपी लगवा रही झंडा। उनके पास बजट नहीं है भैया झंडों में लगाने के लिए, उनके लिए विकास के लिए जो बंदे को वोट मिलेगी बिना झंडे से मिल जाएगी। वो ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, ठीक, तो हम भी तो कहते हैं हम श्री कृष्ण को लाए हैं। अरे क्या श्री कृष्ण के कुल कई तो हैं, फिर अखिलेश यादव भी हैं। और एक बात सुनिए, तुम्हारे प्रधानमंत्री योगी जी जब जाते हैं कॉर्पोरेट बिछाई जाती है, ठीक, पानी गर्म होता तब डुमकी लगाते हैं, अरे ठंडे पानी में क्यों नहीं लगाते हो, ठंड लग जाएगी, कोरोना हो जाएगा। उस टाइम कृष्ण भगवान याद नहीं आ रहे, 5 साल पहले, इससे पहले नहीं याद, 5 साल पहले कृष्ण भगवान याद नहीं आए, चुनाव आ गया, चुनाव आ गया। सुनिए तो, सुनिए तो, सुनिए तो भैया, सुन लो यार भैया, सुन। अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली, जिसके जिसके अखिलेश यादव जी कहते हैं 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली, जिसकी सरकार में चंदा दे रहे ट्रांसफार्मर आता था वो तो बिजली का मुफ्त देगा वो। सुनिए तो, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए भैया, भैया शांत रहो। आपने जो बात कही बहुत बढ़िया बात, ठीक है, आप हमको ये बताइए, आप अब अखिलेश जी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, योगी जी को झटका लग गया, करंट लगा, इलेक्शन से पहले उनने क्या काम करा, 3 महीने पहले साहब बिजली का बिल हाफ कर दिया, 4.5 साल के जेब में रख रहे थे माल को, तब भी तो कर सकते थे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जेब में सरकार रहे थे, जवाब दीजिए। हर गरीब के यहाँ, हर गरीब के यहाँ गल्ला दिया, दो दो बार गल्ला दिया, चना दिया, रिफाइंड दिया, अमीर लोग को लेने जा रहे हैं, जब अंगूठा लाया गया तो लेने जाते हैं, अपने घर से थोड़ी जा रहे, उस टाइम भी तो सरकार थी तो कुछ नहीं देते थे भाई। देखिए आप कह रहे हैं कि मोदी जी गल्ला दे रहे हैं, दे रहे हैं भैया, इसमें कोई दौराट नहीं है। आप एक बात बताओ, पोटास का कट्टा 700 का था पहले, आज 900 कुछ का हो गया, यूरिया 240 की थी 275 की होगी, 5 किलो कम कर दी, सुपर 400 का था 600 कर दिया, डीएपी 1100 की थी 1400 की कर दी, पहले सिलेंडर मुफ्त दिए थे और उसके बाद नहीं, पहले सिलेंडर मुफ्त किए, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार में 440 का सिलेंडर था, 240 रुपए सब्सिडी, मैं यहाँ से निकलवा के लेके जाता रहा हूँ, और आज सिलेंडर 1000 का है, वो बेचारे माहौ को नहीं, बहुत लोगों को भैया सबको सिलेंडर फ्री दे दिए, भैया आप सिलेंडर ले जाओ भैया, जब किसी में इतनी अपेक्षा नहीं है, जब आपको आप में इतनी बात नहीं है कि आप सिलेंडर को भरवा सको, तो इससे अच्छा किसी को दियो ही मत, 1000 का कौन भरवा लेगा भाई। भैया कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ गई है, कहां से महंगाई बढ़ गई, सब कुछ सस्ता है, कुछ सवाल का जवाब तो ले लेंगे, जब शेर, दो चीजें गिनाओ, जब शेर पालेंगे तो महंगाई होगी, शेर पालेंगे महंगाई होगी, सुनो तो सवाल, तो अबकी बार 300 पार होगी, बाधा 300 पार, शेर कौन है, मोदी योगी, अबकी हमें ऐसे शेर की कोई आवश्यकता नहीं जिसमें महंगाई बढ़े, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। भैया इनसे ये बात, ये पूछिए उन्होंने कौन सा शेर पाला, भाई शेर पाले नहीं जाते, शेर खुले छोड़े जाते हैं, और खुला शेर खाली एक ही है, अखिलेश यादव। बताइए, देखिए मैं गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं इनसे ये पूछना, अखिलेश सरकार में कितने घंटे लाइट आती थी, 8 घंटे सप्ते आती है, 8 घंटे दिन, 8 दिन रात में आती थी, कभी 18 घंटे लाइट नहीं आई, बताए कोई बता दे। हेलो, 100 नंबर अखिलेश यादव ने चलाई थी भाई। भैया सवाल सुन लो, सवाल सुन लो, मुद्दों से मत भटको भैया, आपस में क्यों लड़ रहे हो, सुनो सुनो, यादव से पहले एक टूटी जीप हुआ करती थी और ये इनोवा क्रिस्टा फुल मजेदार 108 किन्ने दी है इन्होंने दी, आज कई बात बिजली मोदी जी ने खाली साड़ दिए सर, भैया भैया अखिलेश जी
ये काम को अपना सुनो बीजेपी आरोप लगाती है कि सपा के सरकार में दंगे बहुत होते हैं। गुंडे थी, दंगे थे, मारकाउट थी, हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई जाती थी, यही होता था और कुछ नहीं हुआ था उस टाइम। यही सरकार में और कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ाई दंगे। अखिलेश यादव ने यही करवाया था, हिंदुओं के ऊपर राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। योगी जी के आते ही राम मंदिर बना सबसे पहले, और 2022 को चुनाव जीतते ही कृष्ण रामलीला वहां पर होगा, सब कुछ देख लेना। ये हिंदू वाली आज हिंदू वाली बात कर रहे हैं। सुनो एक मिनट, ऐसा है हिंदू वाली बात, ठीक, सभी लोग हिंदू हैं, और पहली बात जो है हिंदू मुस्लिम किसने फैलाई, बीजेपी ने फैलाई। दूसरी चीज मेरी सुन लेना, राजनीति बोल लेने दो। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप गंगवार हैं, ओबीसी से आते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, ट्वेल्थ में, युवा हैं अभी आप। आपने ये देखा आपका आरक्षण कितना है पिछड़े के लिए, आरक्षण कितना है, पूछिए इनसे। कोई बात नहीं, योगी सरकार आरक्षण क्यों नहीं दे रही है ओबीसी को? नौकरी क्या कर लोगे, घंटा ही तो बजाओगे। आगे आइए ना यार साहब, जब रोजगारी नहीं होगी तो हम राम मंदिर पे क्या करने जाएंगे? जब रोजगारी सरकार हमें नहीं देगी तो राम मंदिर पे हम क्या ले? रोजगार तो भैया मिल रहा है, क्या बात कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, कहीं कुछ नहीं, केवल कागजों में मिला है, टिकट खाली, लाठी मिली है, डंडे मिले हैं, और मालूम क्या मिला है, कार के नीचे दबा दिया, कहीं रात को जला दिया, अपहरण, लूट, हत्या इन्हीं के राज में हुई है। रोजगार बहुत मिला है। मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, जे जई है, जे एसडीओ है, जे एसडीएम है, जे डीएम है, तो इतना रोजगार मिला है भी, आपने कभी इसकी अपेक्षा नहीं, कोई भी इतना रोजगार बीजेपी दे देगी? रोजगार दिए कम से कम 5 लाख, लेकिन वो जंगलों में किए दिए हैं कि रात भर जाकर डंडे हकाओ और उनसे चारा अपना बचाओ। ये बीजेपी जो है अब वो हमारा परिवारवाद खत्म कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो माननीय अखिलेश जी भी कह चुके हैं कि बन्ना यादव गई है, कम से कम वो परिवार यादव तो परिवारवाद तो कम से कम खत्म हो रहा है, तो ये बात तो बहुत बढ़िया बात है। अब हमारी जो हमारी समाजवादी नीति है वो उनके अंदर भी समाएगी। बताइए एक मौर्या जी बीजेपी में, ठीक है, जब बीजेपी में थे तो आप कह रहे थे कि बीजेपी में है और फिर सपा में आ गए, सपा में आते ही सही हो गए प्रसाद मौर्या। हमारे यहाँ जो भी आएगा वो ऐसे करके समझो, जो भी आया सोच समझ के आया, उनका बहुत अच्छा कदम है। दूसरी बात, हमारे यहाँ आके स्टूल पर नहीं बिठाया जाता है, मौर्यों का वोट लेके स्टूल पर नहीं बिठाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मौर्य का वोट लेके स्टूल पर नहीं बिठाया जाता है। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जब राम भक्त पर गोली चली, मुलायम सिंह यादव सरकार थी, तो बताइए उसका जवाब दीजिए, मुलायम सिंह। अरे भैया कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम सेवकों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी। एक मिनट साहब, सवाल भैया, अभी जब पिछले साल गंगा में क्या हुआ, कुत्तों से मतलब लाशों को खिलवा दिया, सड़वा दिया, उसको भूल गए, अंधभक्ति हो वाकई में। लखीमपुर में जो किसानों के ऊपर फोर व्हीलर चलवाई थी, वो कौन थे? वो भी तो बीजेपी के तो लोग थे, वो भी तो इस्तीफा नहीं दिया भैया कोविड काल में। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले बीजेपी वालों को राम राम कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। पहली बात तो जो मुद्दा क्या उखाड़े, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, बस हिंदू मुस्लिम इन्हें दिखता है, जिधर देखो उधर। अरे रुक जाओ, आपने इतने सारे वो देखे, हम लोग जो सपा वाले हैं वो किस पे मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग टोटल बार बार हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं कि हम हिंदू। अरे हिंदू तो मैं भी हूँ, तो मैं क्या हिंदू? अरे मैं शिक्षक हूँ यहाँ पर, इस सरकार में तो शिक्षा लेने वाला भी परेशान और शिक्षा देने वाला भी परेशान है ना। यह कह रहे हैं कि सपा बीजेपी के सरकार में शिक्षा देने वाला भी परेशान है, शिक्षा लेने वाला भी परेशान है। मेरी भैया, मैं गाड़ी 96,000 की लाया था, स्कूटरी, मेरी गाड़ी पे बैल ने इतनी डट के टक्कर मारी कि स्कूटी ऐसी हो गई, बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो कोई बीजेपी में किससे कहूंगा कि मेरी स्कूटी सही करवा दो? अब बिजारू क्या करूं, बांध के डरूं घर पर? अब जब बांध के करूं तो कार्रवाई मेरे ऊपर होगी कि मुसलमान तुम होते हो साथ, तुम क्यों बांध रहे हो भाई? बीजेपी तो भैया कहती है एक्सप्रेस वे बनवा रही है, सड़कें बनवा रही है, और क्या चाहिए आपको? अब मेट्रो किन्ने बनवाई थी, वो सड़क किन्ने बनवाई थी लखनऊ में? एक्सप्रेस वे कितने ले आई बीजेपी? हाँ, पूरे उसमें हाईवे से हाईवे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यूपी, और जो कहती है बीजेपी कि ये बनवा दी, वो जे सब सारे सपा सरकार में पास हुए हैं, जे बना रहे हैं। शिलान्यास करा लो इनसे, नाम बदलने वाली सरकार है, टोटल नाम बदलती है, 100 नंबर को 112 कर दिया, बस
ये अपना नाम भी अखिलेश यादव ही रख ले, ये अच्छी ही बात है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।